रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा। ए भाई लोग, बोले तो वेलकम टू रेडियो जिंदगी, क्या बोले तो भेजा फ्राई शुरू हो रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनी मोजा। जी हां, भेजा फ्राई है तो भेजा फ्राई स्टाइल से ही आपका वेलकम करना बनता है बॉस। तो शुरू हो चुका है सफर भेजा फ्राई का सनी मोजा के साथ। जी हां, वही सनी मोजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि रेडियो जिंदगी पे आज तो मजा आ गया मोजा। तो दोस्तों, आज का शो बहुत ही स्पेशल है। बहुत ही स्पेशल क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आईफा होने वाला है। आईफा अवार्ड्स होने वाले हैं यूएसए में। द बॉलीवुड ऑस्कर्स, द बिगेस्ट इवेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, द प्रेस्टीजियस आईफा अवार्ड्स आर कमिंग टू टैम्पा बे फ्लोरिडा। जी हां, यूएसए फ्लोरिडा, अप्रैल 24 से 26 के बीच में। होस्टेड बाय फैमिली फाउंडेशन, द 2014 इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमीज वीकेंड एंड अवार्ड्स इज शेपिंग अप टू बी 3 डेज फुल ऑफ ग्लिट्स एंड ग्लैमर। सो अगर आप अपने चहीते स्टार्स को अप एंड क्लोज देखना चाहते हैं तो ये डेट नोट कर लीजिए, अप्रैल 24 टू अप्रैल 26। तो बात चली है बॉलीवुड की, तो याद दिला दूं आपको कि मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था कि आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो स्पेशल क्यों होने वाला है वो इसलिए क्योंकि मैं बातचीत करने वाला हूं बॉलीवुड के ही एक म्यूजिक कंपोजर से, जिसकी अपकमिंग फिल्म रिलीज होने वाली है फरवरी 7 को। अब यहाँ पर मैं अपने स्टाइल में, जैसे कि आप मुझे जानते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करूंगा। वो क्यों करूंगा? क्योंकि भेजा फ्राई है भाई। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा क्लू भी दूंगा, छोटा नहीं बहुत बड़ा क्लू दूंगा कि भैया मैं किससे बातचीत करने वाला हूँ। इफ यू कैन फिगर आउट कि मैं किससे बात करने वाला हूँ आफ्टर लिसनिंग टू दिस क्लू, गिव मी अ कॉल एट 510-770-1550, 510-770-1550। और क्लू है ये गाना जो मैं चलाने वाला हूँ, इस गाने के उस पार मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा इस गाने के सिंगर, कंपोजर और एक्टर से। वंस अगेन द नंबर ऑफ स्टूडियो इज 510-770-1550। जिए जा। जो न आती तू मेरी जिंदगी में, जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना फिकर होती ना लिकर होती। जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना फिकर होती ना लिकर होती। खासी स्वीट तो न थी जिंदगी, खासी स्वीट तो न थी जिंदगी, पर कम से कम न यू बिटर होती। जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना फिकर होती ना लिकर होती। आँखों से तेरी पहले पीते थे, अब याद में तेरी पीते हैं। आँखों से तेरी पहले पीते थे, अब याद में तेरी पीते हैं। घर का भाड़ा बच जाता है, हम बार में अब जो जीते हैं, बार में अब जो जब हम ये रम में खो गया तो खून भी पतला हो गया। जब हम ये रम में खो गया तो खून भी पतला हो गया। वरना क्वालिटी, वरना क्वालिटी थोड़ी थिकर होती। जो ना आती तू मेरी जिंदगी में, जो ना आती तू मेरी जिंदगी में, ना फिकर होती ना लिकर होती। खासी स्वीट तो न थी जिंदगी, खासी स्वीट तो न थी जिंदगी, पर कम से कम ना यू बिटर होती। जो ना आती तू मेरी जिंदगी में, ना फिकर होती ना लेकर होती। ते
चेहरे जो थे दो नैना जैसे पटियाला बैग, अरे होश उड़े तो ऐसे जैसे हो जेट लैग। क्यों छोड़ गई तू मुझको यू तन्हा और अकेला, अब साथ रहते हैं मेरे बस वोडका और टकीला। तेरी याद में हर पल बेबी अब रहता हूँ मैं हाय, अब बियर ही मेरी कॉफी और विस्की मेरी चाय। ये प्यार है मेरा जालिम ना समझ तू कोई जोक, इट्स एज प्योर माय डार्लिंग एज जेडी एंड कोक। मैं लड़का सीधा सादा था सिंपल और सोबर, अब रातों को भी फिरता हूँ लेके हैंगओवर। तू कर दे एक इशारा कर दूं मैं आज उतारा, तेरे बिन जीना पाएगा दिल मेरा बेचारा। हूँ लड़का आज भी A1, बस एक ही मुझ में ऐब, तू ले जा मेरी लिकर फिकर, बन जा मेरा रिहैब, बन जा मेरा रिहैब, बन जा मेरा रिहैब, बन जा मेरा रिहैब। उम्मीद है तेरे आने की तो जान बची है जाने की, उम्मीद है तेरे आने की तो जान बची है जाने की, वरना एग्जिट थोड़ी क्विकर होती। जो आती तू मेरी जिंदगी में ना फिकर होती, ना लिकर होती, हाजी स्वीट तो ना थी जिंदगी, हाजी स्वीट तो ना थी जिंदगी, पर कम से कम ना यूं बिटर होती। जो ना आती तू मेरी जिंदगी में ना फिकर होती, लेकर होती। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ। जी हाँ, वही सनी मोजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि रेडियो जिंदगी पे आज तो मोजा आ गया मोजा, और ये मोजा अब डबल होने वाला है, क्योंकि अभी जो गाना हमने सुना, जो ना आती तू मेरी जिंदगी में ना फिकर होती ना लिकर होती, खासी स्वीट तो ना थी जिंदगी पर कम से कम ना यूं बिटर होती, मैं लेके आया हूं आपके लिए इस गाने के म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक्टर, जी हाँ, द यंग वर्सटाइल एंड हैंडसम गौरव द गांवकर। गौरव, वेलकम टू भेजा फ्राई। हाय सनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑनर टू बी ऑन भेजा फ्राई। गौरव, आपको मैं ये बताऊं पहले कि मैंने एक साल पहले ये गाना सुना था लिकर फिकर, और तब से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये गाना बना कैसे, हाउ डिड दिस सॉन्ग कम अबाउट, आपकी प्रेरणा क्या थी सर इस गाने के लिए? एक्चुअली हम लोग, मैं और मेरा लिरिसिस्ट जो है अनुराग भूमिया, लास्ट ईयर समवेयर अराउंड यू नो दिस टाइम ओनली जनवरी का वक्त था, एंड वी वर सिटिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग कि ऐसा क्या हम लोग यू नो यूट्यूब पे डाल सके जिससे लोगों को मजा आए और वायरल हो जाए गाना। तो यू नो एक ऐसी ड्रिंकिंग सेशन चल रहा था जहाँ पे अनुराग स्टार्टेड टेलिंग मी अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड स्टोरी, और बहुत लंबा सेशन था, और द एंड ऑफ इट आई थिंक खुद से ही केम अप विद दीज लाइंस, जो ना आती वो मेरी जिंदगी ना लिखकर होती ना फिकर होती। एंड द मोमेंट आई हर्ड इट मुझे ऐसा लगा रहे तो बहुत सॉलिड गाना बन सकता है इसका। एंड देन द नेक्स्ट डे व्हेन वी बोथ गॉट अ लिटिल सोबर डाउन, वी सैट एंड वर्क्ड ऑन इट, और पूरा गाना एक दिन के अंदर ही बन गया। अरे वाह, तो मतलब लिकर की कृपा थी इस गाने के ऊपर? बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, जो ना लिकर होती ना ये गाना हो। वाह क्या बात है, क्या बात है। गौरव भाई, ये तो होगी गाने की बात, टेल आवर लिसनर्स अबाउट योरसेल्फ, कि मतलब कहाँ पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई कहाँ की, ये म्यूजिक का कीड़ा कब से काटा? मैं मुंबई में पैदा हुआ, और इनिशियली आई वाज इन माय स्कूल डेज आई वाज मोर इनटू स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स, म्यूजिक का इतना शौक नहीं था मुझे, इनफैक्ट बिल्कुल ही नहीं था। आज भी जब मुझे अपने स्कूलमेट्स मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार तो म्यूजिक में कैसे यू नो घुस गया अचानक से। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ओनली अबाउट स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स। स्कूल के बाद आई डिड इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की, और उसके बाद मैंने MBA किया इंडिया के बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, IIM अहमदाबाद। तो ऑलमोस्ट टिल द एज ऑफ अबाउट 21 आई वॉज रियली नॉट इन टू म्यूजिक एट ऑल। बहुत ही लेट मुझे आप कह सकते हैं कि म्यूजिक का एक कीड़ा जो है वो बहुत लेट काटा मुझे, और इन अ वे अच्छा ही हुआ लेट काटा, बिकॉज अगर जल्दी काटा होता तो शायद IIM अहमदाबाद पहुंचता। लेकिन जैसे वो रॉकस्टार फिल्म में दिखाया है कि यू नो एक लड़की ने दिल तोड़ा तो गाना शुरू कर दिया, तो वैसे ही मेरे साथ इंजीनियरिंग में हुआ। देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हु यू नो ब्रोक माय हार्ट एंड आई स्टार्टेड कंपोजिंग एंड राइटिंग सॉन्ग्स ऑफ माय ओन।
अरे वाह, लगता है आपके गाने आपके करियर में शराब और शबाब दोनों का हाथ है। कह सकते हैं आप, इन अ वे ट्रू। चलो गौरव भाई, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। चलो लिसनर्स, अबाउट सिंक्रोनिसिटी, आपने एक बड़ा अच्छा मिक्सचर बनाया था इंडियन सॉन्ग्स और वेस्टर्न सॉन्ग्स का। मैं एक फिल्म, कुछ फिल्म्स कर रहा था 2011 में, और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं उनको यू नो फेमस सिंगर्स नोन वॉइसेस चाहिए। तो एज अ सिंगर मैं एक एवेन्यू ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं अपने, क्योंकि एक अच्छी सी फैन बेस थी मेरी सिंक्रोनिसिटी के, पहले भी मैंने कॉलेज डेज नाम का एल्बम किया था जो इंडिया के काफी सारे कॉलेजेस वगैरह और यूथ में बहुत पॉपुलर गाना है। तो आई हैड अ फैन बेस ऑफ यू नो लिसनर्स हु वांटेड टू लिसन टू माय वॉइस। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक हिंदी गाना और एक इंग्लिश गाना जो मुझे अच्छा लगता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो सकते हैं, ऐसे दो गाने चूज करके व्हाई डोंट आई जस्ट पुट आउट अ सॉन्ग ऑफ माय ओन। तो जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑफ 2011 मैंने ये तुझे बुला दिया और हेलो जो लायनल रिची का गाना है, ये दो गाने मैंने ब्लेंड करके मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया हमें। मतलब इट हैज गॉट ऑलमोस्ट 1 million हिट्स नाउ, तो विच वॉज अनएक्सपेक्टेड, और इतना ज्यादा उसके बाद लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी। सो देन आई डिसाइडेड टू मेक इट इनटू अ प्रॉपर्टी एंड इट हैज रियली हेल्प बिकॉज हमारा जो साउंड है वो बहुत सूदिंग और सॉफ्ट किस्म का साउंड है सिंक्रोनिसिटी का। एंड सिंक्रोनिसिटी उसके बाद एक बैंड भी बन गया, ऑल ओवर इंडिया पीपल आर कॉलिंग मी फॉर शोज, और सभी को लगता था कि ये बैंड है सिंक्रोनिसिटी, जबकि एक्चुअली वो एक कॉन्सेप्ट था। वाह सर, आपका ये जो बैंड जो ऑर्गेनिकली बन गया है ये भी काफी वेल रिसीव्ड है, और अभी जो आपकी फिल्म आने वाली है उसके गाने काफी वेल रिसीव्ड हो रहे हैं हार्टलेस के, जो कि फरवरी 7 को रिलीज होने वाली है। मेरा फेवरेट गाना है जो अरिजीत सिंह ने गाया है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला गलत लेके मैं पता निकला। सनी आपकी डिक्शन तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है यार, आई मस्ट से डू यू आल्सो सिंग दैट वे? आप बात करते हो, आई हैव अ फीलिंग कि शायद आप उतना ही अच्छा गाते भी होंगे। नहीं सर, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, आई विल टेक दैट। अभी लिसनर्स को मैं अरिजीत सिंह की आवाज सुनाता हूं। ऑलराइट गाइस, लेट्स लिसन टू द सॉन्ग फ्रॉम हार्टलेस एंड जिएजा। जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। खुशियों ने दी थी मिट गई थी हर कमी, क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देख के वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम अजाब ऐसे वो दे गया, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, पता चला निकला, पता चला के गलत लेके मैं पता निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। आहा, आहा, आहा,
ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये सौ दफा है सुबह नाराज उस बिन रूठी शाम दिन खफा वो आए ना ले जाए ना कहाँ मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू भेजा फ्राई विद सनी मोजा और अभी हम बातचीत कर रहे हैं बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर गौरव दगांवकर के साथ स्ट्रेट फ्रॉम मुंबई. सो गौरव, सॉन्ग्स ऑफ हार्टलेस अच्छे हो गए, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा है. लेकिन व्हाट वाज दैट कंट्रोवर्सी अबाउट सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान हु हैड आई थिंक संग इन योर मूवी बट समथिंग हैपेंड? एक्चुअली जो सिंगर्स हैं उनकी एक डिमांड है कि उनको रॉयल्टी एक कंपोनेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, बट आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके और रिकॉर्ड लेबल और प्रोड्यूसर्स के बीच में, एक ट्रायंगल बन चुका है. एंड यू नो द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज ऑफर्ड टू द सिंगर्स, दे वर नॉट फाइन विद इट. तो हमारी फिल्म के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे द सिंगर्स रिफ्यूज टू साइन द अग्रीमेंट. सो ऐसे चार सिंगर्स थे, सोनू निगम, सुनिधि, दे वर टू ऑफ देम. बिकॉज ऑफ विच एक ऐसी नौबत आ गई थी कि शायद हमारा एल्बम जो है वो रिलीज ही नहीं होता. सिंस मैं दो साल से इस एल्बम पे काम कर रहा हूँ, यू नो माई ओनली रिक्वेस्ट टू द सिंगर्स एंड टू द लेबल्स एंड यू नो एवरीबॉडी एल्स वाज टू हेल्प मी गेट द एल्बम आउट ऑन टाइम. प्रोड्यूसर की मेहनत होती है, म्यूजिक डायरेक्टर की, कितने सारे लोगों की मेहनत होती है. फॉर सम रीजन दैट डेडलॉक जो था वो रिजोल्व हो नहीं रहा था. सो फाइनली विद अ वेरी हैवी हार्ट वी हैड टू रीडब यू नो द वॉइसेस. तो सोनू निगम जी की जो आवाज है और सुनिधि की आवाज है वो फिर हमने रीडअप की. मोहित चौहान ने गाया है वो गाना जो सोनू जी ने गाया था. अच्छा. एंड इन सुनिधि'स प्लेस वी हैव अरुणिमा भट्टाचार्य हु इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सिंक्रोनिसिटी. सो यू नो लकीली बोथ द सॉन्ग स्टिल साउंड ब्यूटीफुल. क्योंकि एक डर सा था मुझे, मिक्सिंग और मास्टरिंग हो चुकी थी एल्बम की, सो आई वाज अ लिटिल वरीड कि अभी लास्ट मिनट पे रीडबिंग्स कैसे होंगी क्या होंगी. But you know, by God's grace, बहुत बहुत अच्छे हो गए सारे गाने. ये बताइए, I mean, you yourself are such a wonderful singer. आपने कोई गाना क्यों नहीं गाया इस एल्बम में? Actually, मैं थोड़ा greedy हूँ as a music composer. जब मैं गाना बनाता हूँ, I only think of the best voice for that particular song. And sometimes जैसे ये जो गाने मैं ढूंढने को जमाने में या फिर सोनी है जो केके ने गाया है, इतने ऊंचे स्केल में मैंने खुद इन्हें कम्पोज किया है कि मेरी आवाज सूट नहीं हो रही थी उन गानों को. एंड एज अ कंपोजर ऑलवेज फील कि द वॉइस दैट इज बेस्ट फॉर द सॉन्ग वही वॉइस होनी चाहिए. बट आई कैन सर्टेनली से टू ऑल माय फैंस आउट देयर कि यू नो इन द नेक्स्ट फ्यू फिल्म्स दैट आई एम डूइंग I'll be singing quite a few songs myself. Absolutely, sir. We'll be looking forward to that. ये बताइए, you also composed the music for Sunidhi Chauhan's first single, Ab Lauta. Yeah, that's true. उस music video में वो dashing actor कौन था? जहाँ कहाँ से लेके आए थे आप उसे? हाँ, वही मैंने सबसे पहले कुणाल को phone किया कि भाई ये actor है कौन, इतना natural. और I think Sunny, you have a fantastic future as an actor as well. मैं कहता हूँ कि बॉलीवुड में आ जाओ. इतने सारे फिल्में बन रही है जिसमें एक्टर्स की जरूरत है. आई मस्ट से दैट यहाँ भी बहुत ज्यादा छा जाओगे आप. नहीं सर, ये तो आपकी दुआ है. और दोस्तों, बात कर रहे हैं कि जो गौरव जी ने जिसे म्यूजिक दिया था सुनिधि चौहान के फर्स्ट सिंगल अब लौटा में, उसमें आपके मित्र सनी मोजा हैड द ऑनर एंड द प्लेजर ऑफ फीचरिंग इन दैट. मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिसनर्स को अपनी आवाज में वो गाना जरा दो लाइनें गा के सुना दीजिए. ऑलराइट सनी, फॉर यू एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ भेजा फ्राई, हियर आर फ्यू लाइंस ऑफ अब लौटा. ओ मेरी जा, तू है कहां, चिरा नहीं तेरे बिना, अब लौट आ. तू है मेरी, मैं हूँ तेरा, अब लौट आ.
जिया नहीं तेरे बिना, अब लौट आओ। वाह वाह वाह, आप तो मतलब फोन कनेक्शन के ऊपर भी इतना अच्छा साउंड कर रहे हैं, तो माइक्रोफोन में मतलब सर क्या बात है। आइए सर इसी बात पे सुनते हैं अब लौटा सुनिधि चौहान की आवाज में, उसके बाद आके हम बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाएंगे गौरव जी के साथ। जिए जा दोस्तों। साथ ही साथ मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कुणाल अग्रवाल और संजय देव को, जिन्होंने ऐसा म्यूजिक वीडियो बनाया कि उसके आज YouTube पे 1.25 मिलियन हिट्स हैं। अगर आप भी ये म्यूजिक वीडियो देखना चाहते हैं तो गो टू माई फेसबुक वॉल facebook.com/sunnymoza। ये जा मिट जाएगी।
दोस्तों आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई अपने होस्ट सनी मोजा और सेलिब्रिटी गेस्ट गौरव दगांवकर के साथ। गौरव, लेट्स प्ले अ रैपिड फायर राउंड नाउ। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? आमिर खान। फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? माधुरी दीक्षित। सिंक्रोनिसिटी? तुझे बुला दिया। फेवरेट मेल सिंगर? किशोर कुमार। फेवरेट फीमेल सिंगर? लता मंगेशकर। वन सिंगर यू वुड नेवर वांट टू वर्क विद? गौरव दगांवकर ऑन एन अर्ली मॉर्निंग। गुड वन। फ्रॉम 1 to 10 रेट शेखर सुमन एज अ सिंगर? 8। ओके। शेखर सुमन अ बेटर एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर? डायरेक्टर। योर फेवरेट करंट कंपोजर बिसाइड्स गौरव? प्रीतम। व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से हार्टलेस? अध्ययन सुमन, हिज परफॉर्मेंस। वंडरफुल वंडरफुल। आई थिंक गौरव यू डिड वेरी वेल। Thank you so much. Thank you. अब Heartless की बात चली है तो tell us about the movie, about the songs, right. about the music. Heartless ही बहुत अच्छी passionate journey रही है हम सबकी, especially शेखर जी, अध्ययन, me and a few others जो इस फिल्म से almost पिछले 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं. And it's a very emotional, heartfelt story. ऐसी content वाली कहानियां कम आती हैं Bollywood में. And I'm very happy कि इस फिल्म का सारा music onus था, responsibility मुझे दी गई. So इसमें हमने बहुत सारे गाने बनाए throughout the last 2 years. I must have made about 20 songs. और उसमें से the best 6 to 7 songs we finally retained. और बहुत प्यार से, बहुत ही effort डाल के हम सब ने ये गाने बनाए. शेखर जी, अध्ययन, they were involved at every step. And my full team lyricists जो हैं, सीमा सैनी ने लिखे हैं गाने, कुछ सोनी है, Heartless, अराफत महमूद who wrote माशूकाना and मैं ढूंढने को जमाने में. तो बहुत ही हार्ड वर्क करके गाने बनाए हैं. एंड दिस इज ब्यूटीफुल कि अभी गाने बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट हो रहे हैं यहाँ पे इंडिया में. दे बिकमिंग वेरी पॉपुलर बाय द डे और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है. यू नो आई एम होपिंग दैट वी हैव अबाउट 15-16 डेज टू गो नाउ फॉर द फिल्म टू रिलीज. तो उस पीरियड में और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे ये गाने. सो यू नो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड. यू नो वी हैव अ फिंगर्स क्रॉस्ड दैट फिल्म विल डू वेरी वेल. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी एंड ये फिल्म देख के हर कोई इंसान अपनी माँ से ये जरूर कहेगा कि आई लव यू अलॉट. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग, हार्ट वार्मिंग मूवी. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स ऑफ भेजा फ्राई एंड रेडियो जिंदगी कि आप जरूर Heartless जाके देखें अपने पूरे फैमिली के साथ. यू विल एंजॉय बोथ द म्यूजिक एंड द फिल्म. Absolutely देखेंगे सर. Listeners, once again आपको याद दिला दूं, Heartless movie is coming out on February 7th. तो गौरव, आपकी म्यूजिक की शुरुआत हुई एक हार्ट ब्रेक से, अभी मूवी आ रही है आपकी Heartless. अभी आपकी लव लाइफ का स्टेटस क्या है यार? लव लाइफ में तो बहुत ही रोमांटिक इंसान हूँ, बहुत ज्यादा जल्दी प्यार हो जाता है मुझे. पर अभी इस वक्त मेरी लव लाइफ बहुत ही अच्छी, स्टेडी, स्टेबल चल रही है और शायद इसीलिए बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं मुझसे. बट यू नो इसके बियॉन्ड मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, वरना मेरी जो पोटेंशियल फीमेल फैन फॉलोइंग है उसको जरा. लिसनर्स, गौरव अभी भी सिंगल हैं, चलेगा सर? ब्यूटीफुल. तो आप ये बताइए, अभी आपकी यहाँ पर भी फीमेल फैन फॉलोइंग होगी, आप यहाँ कब आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए? ओह बिल्कुल, यू जस्ट आस्क द बेस्ट क्वेश्चन. हम लोग बस वेट ही कर रहे हैं कि कब यू नो वी हैव अ यूएस टूर कमिंग अप फॉर you know government synchronicity. अभी इंडिया में तो बहुत पिछले साल में आई थिंक वी मस्ट हैव परफॉर्मड अबाउट 45-50 कॉन्सर्ट्स. तो अभी आई एम जस्ट होपिंग दैट यू नो वी हैव अ सम टूर ऑफ यूएस वेयर वी कैन जस्ट वर्क आउट समथिंग विद एन ऑर्गेनाइजर. वी वुड लव टू हैव यू हियर सर. सर जाते-जाते हमारे लिसनर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप? Heartless के गाने जरूर सुनिए और फिल्म जो है February 7th को आ रही है तो डेफिनेटली जाके देखिए. एंड यू नो Sunny Moza is the best RJ and actor out there, I know. So, uska show bhi bahut love. And hope to see you on his show again very soon. Thank you, Gaurav bhai. Abhi jaate jaate, kaun sa gana chalau main listeners ke liye Heartless movie ka, bataiye. It is the first song jo maine Heartless film ke liye compose kiya tha. Is gaane ki wajah se mujhe film di gayi thi as a music director. So, definitely this song has a very special place in my heart. Sir, one line sir, aapko ek line gaani padegi jaane se pehle. Itna acha ga rahe hain ki I want more of you. अब ये दीवाना दिल बिन तेरे कैसे जिए. सोनिए सांसें भी चलती है अब तो बस तेरे लिए. सोनिए सोनिए. Gaurav bhai, it was a pleasure talking to you. Lots of best wishes for Heartless from Sunny Moza, Bheja Fry and the whole team of Radio Zindagi. Thank you so much, Sunny. Thank you so much. And once again, my best wishes and love to everybody
at Bheja Fly at Radio Zindagi and all the listeners of the radio station out there, and hope to see you soon in a live concert. Amen. Thank you, sir. Thank you. Thanks, Sunny. बता जरा मुझे क्या हुआ, पहली बार ऐसे गुमशुदा दिल मेरा हो गया दर बदर, ढूंढे उसे अब ये नजर, मैं भी ना जानू के किस कदर दिल मेरा खो गया। जब से हुए एक बारी आ जा तू दिल मिला जा जरा खुदा के लिए, सुनिए अब ये दीवाना दिल बिन तेरे कैसे जी, सुनिए सांसें भी चलती है अब तो बस तेरे लिए, आफत है ये जो चाहत सताए, दिन रात आहे भरूं, बिन तेरे अब तो सांस भी ना ये भाए, तू बता दे मैं क्या करूं, चाहे जा कर न कोई है इस जहां में, सरेआम कहता हूं मैं, दूर लोगों से दूर दुनिया जहां से, तेरे दिल में रहता हूं मैं, खुद को ब्लड डोनेट करने से पहले उसका ग्रुप जरूर जांचना।
ब्लड डोनेट करने से पहले उसका ग्रुप जरूर जांचना। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू भेजा फ्राई। ऐसे शेर सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि भेजा फ्राई शुरू हो गया, मुझे बोलने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये शेर जो था मैंने कहीं से कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट किया, क्योंकि पूरा जो जमाना चल रहा है वो कॉपी पेस्ट का ही चल रहा है। इस पे एक बड़ा ही फनी गाना बना था जिसमें गौरव जी का बहुत बड़ा हाथ था। आइए सुनते हैं गाना। आवाज है कैलाश खेर जी की और फिल्म का नाम है चल पिक्चर बनाते हैं। ये 2012 में आई थी। आप ये गाना सुनिए और मुझे बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा। आप मुझे फोन कर सकते हैं स्टूडियो लाइन पे, नंबर है 510-770-1550, 510-770-1550, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sunnymoza@radiozindagi.com, sunnymoza@radiozindagi.com। कॉपी पेस्ट जिएजा। चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, ओरिजिनल को लात पड़ेगी, कॉपी पेस्ट ही भाएगा। ओरिजिनल को लात पड़ेगी, कॉपी पेस्ट छा जाएगा। गए हम सब कुछ डामा डोल, यहाँ पे कैसा ये सिस्टम।
वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं भेजा फ्राई सनी मोजा के साथ। जी हाँ, वही सनी मोजा जिसे सुनते ही आप कहते हैं कि रेडियो जिंदगी पे आज तो मोजा आ गया मोजा। जी हाँ, तो वंस अगेन गाइज, बिग थैंक्स टू गौरव दगांवकर जी फॉर टेकिंग टाइम टू टॉक टू अस अबाउट हिज न्यू फिल्म हार्टलेस, जो कि रिलीज हो रही है फरवरी 7th को। आपको फिर से याद दिला दूं, फिल्म देखना ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो द फिल्म इज ऑल्सो द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ द एवर यंग शेखर सुमन जी। तो काफी स्पेशल फिल्म है क्योंकि शेखर सुमन जी बना रहे हैं इसको, और गाने तो हमने सुने ही, काफी अच्छे गाने हैं इसके। आपको मेरी बातचीत गौरव के साथ कैसी लगी, आप ये मुझे बता सकते हैं फेसबुक पे, facebook.com/sunnymoza facebook.com/sunnymoza। रेडियो जिंदगी 1550 AM के साथ जी जा।